सेना पर इस तरीके से एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। भारतीय सेना, जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर, उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं, और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती है इन लोगों के ऊपर। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करें उन पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने जमकर सुनाया है, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। बयान देते हैं भाई, आप सेना पर इस तरीके से एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या जरूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना, जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर, उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं, और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती है इन लोगों के ऊपर। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीज़ें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष होता है। कुछ दिन पूर्व गुलाम रसूल बलियावी ने ही कहा था कि करबला बना देंगे, उसके बाद ये बयान आया है, बाकी लगता है कि किस तरह से वो भाई ये सब फालतू के बयान है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई ज्वलंत विषयों पर तो इनको बोलना नहीं है ना, बिहार के हालात पर इनको बोलना नहीं है, बिहार बिहारियों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को ऐसी बातों से फ़र्क पड़ता है जिससे इनकी राजनीति चमके, चार दिन खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें बोलेंगे। कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करें उन पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है। सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला। तो आपने सुना कि जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान को लेकर चिराग पासवान काफी गर्म हो गए थे। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई जरूरी मुद्दा नहीं होता है, ये सेना को अपमान करते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन में जाकर कठपुतली हो गए हैं, इनसे कोई अब निर्णय या फैसला नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर चिराग पासवान के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।